ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट जो एक्चुअली में इशू किया गया है टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन उसे क्या कहा जाता है क्या उसे सब्सक्राइब कैपिटल कहा जाता है क्या उसे इशूड कैपिटल बोलते हैं क्या उसे ऑथराइज कैपिटल बोलते हैं या फिर उसे रिजर्व कैपिटल बोलते हैं तो बच्चों यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल के बारे में बात नहीं हो रही है ऑथराइज कैपिटल के पार्ट के बारे में बात हो रही है तो पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल जो कि एक्चुअली में इशू किया गया है टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन तो कंपनी के द्वारा इशू किया गया है इसको ठीक है बाय द कंपनी फॉर सब्सक्रिप्शन तो ये ऑथराइज कैपिटल तो नहीं है ठीक है बच्चों अब इशूड कैपिटल है या सब्सक्राइब कैपिटल है या रिजर्व कैपिटल है वो समझ लीजिए बच्चों तो सब्सक्राइब कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कि पब्लिक ने एक्चुअली सब्सक्राइब किया है ये एक्चुअली इशूड है जो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है लेकिन सब्सक्राइब के लिए एक्चुअली सब्सक्राइब बाय द पब्लिक होता है तो ये सब्सक्राइब कैपिटल तो नहीं है क्योंकि ये एक्चुअली इशूड लिखा है यहाँ पर ठीक है बच्चों तो सब्सक्राइब कैपिटल भी नहीं है ठीक है बच्चों इशूड कैपिटल है रिजर्व कैपिटल क्यों नहीं है मैं आपको बता देता हूँ रिज, रिजर्व कैपिटल जो होती है वो सब्सक्राइब कैपिटल का वो पार्ट होता है जो कि कंपनी ने अभी तक मांगा नहीं है और उसे कंपनी मांगेगी भी नहीं ठीक है बच्चों या तब मांगेगी जब कंपनी के लिए कोई इमरजेंसी सिचुएशन होगी या फिर कंपनी वाइंड अप होने जा रही होगी तो रिजर्व कैपिटल तो सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट होता है जो कंपनी ने अभी तक मांगा नहीं है या फिर कंपनी तभी मांगेगी जब कंपनी वाइंड अप होने जा रही होगी ठीक है बच्चों तो इसका मतलब जो ये स्टेटमेंट दिया गया है ये सब्सक्राइब कैपिटल के लिए भी नहीं है रिजर्व कैपिटल के लिए भी नहीं है सीधी सी बात है ये किसके लिए है इशूड कैपिटल के लिए तो इशूड कैपिटल को ही कहते हैं कि ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट जो एक्चुअली में कंपनी के द्वारा इश्यू किया गया है फॉर पब्लिक टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ठीक है बच्चों? क्लियर हो गया ये जिंकी लिमिटेड ने फॉरफिड किया है एक शेयर को जिंकी लिमिटेड ने फॉरफिट किया है एक शेयर को जिसकी फेस वैल्यू तो है रूपीज हंड्रेड इसे इशू किया गया था एट अ प्रीमियम ऑफ ट्वेंटी बीस रुपए के प्रीमियम पे इशू किया गया था अब इन्हें क्यों फॉरफिट किया गया क्योंकि जो डिफॉल्टर है उसने फर्स्ट कॉल के रुपीज थर्टी और फाइनल कॉल के रूपीज टेन नहीं पे करे हैं ठीक है बच्चों तो टोटल कंपनी ने मांगे हैं एक सौ बीस रुपए सौ कैपिटल के और बीस प्रीमियम के जिसमें से डिफॉल्टर ने तीस फर्स्ट कॉल के और दस फाइनल कॉल के नहीं पे करे हैं इसका मतलब उसने एट्टी रुपीज पे कर रखे हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम याद रखिएगा बच्चों डिफॉल्टर ने अस्सी रुपये पे कर रखे हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम प्रीमियम हटा के कितना पे कर रखा है रुपीज सिक्सटी तो इस शेयर पे कंपनी को रुपीज सिक्सटी मिल चुके हैं रिलेटेड टू कैपिटल वैसे तो मिला हुआ पैसा रुपीज एट्टी है लेकिन उसमें प्रीमियम भी मिला हुआ है ठीक है बच्चों तो जब प्रीमियम मिल चुका होता है तो उसको हम फॉरफिटेड अमाउंट में काउंट नहीं करा करते इस बात को याद रखिएगा और नहीं मिला हुआ पैसा है रुपीज फोर्टी तीस फर्स्ट कॉल के और टेन फाइनल कॉल के हमसे कहा गया है क्वेश्चन में कि बताइए कि वो मिनिमम प्राइस बताइए जो कि या जिस प्राइस पर हम इस शेयर को री इशू कर सकते हैं या यही शेयर री इशू किया जा सकता है बाय द कंपनी ठीक है बच्चों तो मिनिमम री इशू प्राइस का फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू ऑफ शेयर माइनस मैक्सिमम डिस्काउंट जो कि दिया जा सकता है ऑन रीइू और ये मैक्सिमम डिस्काउंट फॉरफिटेड अमाउंट के इक्वल हुआ करता है ठीक है बच्चों और फॉरफिटेड अमाउंट कितना है वैसे तो एट्टी रुपीज कंपनी को मिल चुके हैं लेकिन हम फॉरफिटेड अमाउंट केवल रुपीज सिक्सटी काउंट करेंगे ठीक है बच्चों? तो यानी कि मैक्सिमम डिस्काउंट है सिक्सटी शेयर की फेस वैल्यू है हंड्रेड हंड्रेड में से सिक्सटी माइनस करिए यानी मिनिमम रीश्यू प्राइस है शेयर का रुपीज फोर्टी यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर क्लियर बच्चों आगे सुन में